वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमून। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आया हूं और एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर, और ये मेरा पुराना वाला जो J7 2016 मॉडल है, उसके लिए मैंने एक बैक कवर अमेजोन से 149 रुपीज़ से परचेस किया हूं, तो उसको ही मैं अनबॉक्स करूँगा। और एक टोटली इंटैक्ट पैक है, और मैं इसको ऑन कैमरा ही अनबॉक्स करने वाला हूं। और जब तक मैं इसको अनबॉक्स करता हूं, मैं आप लोगों से अभी अभी जो जो कुछ हुआ मेरे संग, वो आपके संग शेयर करूंगा। एक्चुअली डिलीवरी बॉय जो देने के लिए आया था, वो कुछ दिन से ही मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। डिस्टर्ब इसलिए कर रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट मैं उससे परचेस करता हूं, तो वो क्या करता है, वो ₹1 ज़्यादा डिमांड करता है। आज भी 149 से मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है ना, और उसने मेरे को 150 चाहा। कितना चाहा? 150। तो ये तो सही बात नहीं है। मैंने ₹1 नहीं दिया, ठीक है ना दोस्तों, मैंने ₹1 उसको नहीं दिया। मैंने बोला कि आप रुकिए, मैं कस्टमर केयर से बात करता हूँ, अगर वो लोग बोलता है कि ₹1 आप कैश लोड करते हो, तो वो कैश लोड अगर मैंडेटरी है, तो अगर मैंडेटरी है तभी मैं 150 दूंगा, वरना 149 दूंगा। बोला ठीक है ठीक है, आप देखिए बात कीजिए, जो करना है करिए, मेरे को ₹1 देना ही पड़ेगा, बस ठीक है अब रुकिए। तो मैंने उसे बात किया कस्टमर केयर से, तो कस्टमर केयर एज यूजुअल मुझे पता ही था कि वो बिलिंग प्राइस से ज़्यादा कोई भी ले नहीं सकता। तो मैंने जब बात किया तो कस्टमर केयर ने बोला कि आप सही बोलते हो, आप बिलिंग अमाउंट से ज़्यादा मत देना, बिल्कुल भी मत देना, ठीक है ना। तो मैंने 149 से इसको परचेस किया हूँ, देखता हूँ अंदर में क्या निकलता है। अभी तो सिर्फ बॉक्स ही बॉक्स निकल रहा है, क्या है रे भाई, देखना है अंदर में क्या निकलता है। अभी तो पैकेज ही पैकेज निकल रहा है, हाँ कुछ बॉक्स कुछ है, अभी तो आया कुछ है, कवर आ है, कवर है अंदर में, कवर है, हाँ आ गया, तो ये आ गया, आ गया है कवर, ये कवर है। थोड़ा इसका लाइट जला देता हूँ, आपके देखने में आसानी होगा। तो देखिए ये आया है कवर, कवर का क्वालिटी अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है कवर की क्वालिटी। J7 2016 के लिए मैंने इसको परचेस किया हूँ, तो इसको मैंने परचेस किया हूँ, आप देखिए, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको फ़ोन में लगा कर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, थोड़ा पॉज कर रहा हूँ इसलिए। और अभी इसको आप देखेंगे फ़ोन में, मैं इसको लगाऊंगा, उसके बाद इसका क्वालिटी कैसे उभरता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब तक मैं इसको फ़ोन में लगा के आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप इस बॉक्स को ज़रा देख लीजिए, क्या वाओ केस है। 999 इसका प्राइस है, 149 मेरे को पड़ा। और ये कुछ है, क्या कुछ है देखिए, अगर काम का होगा तो देखिए, काफ़ी पुराना फ़ोन है दोस्तों। और ऐसे ही कवर मैं मेरा M31 में यूज़ करता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं यहाँ पर M51 का भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो तब उसके पाने के लिए प्लीज़ जो घंटी बटन है उसे भी दबा दीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो दोस्तों मैंने इसे फ़ोन में लगा दिया हूँ, और मेरे J7 का ऐसा लुक आया है, पीछे की तरफ ऐसा आया है, क्लियरली देख सकते हो, लुक तो काफ़ी अच्छा ही है। पर एक में इसमें एक प्रॉब्लम भी आया है, इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा ढीला ढीला लगता है, जो कवर है थोड़ा ढीला ढीला लगता है, देखता हूँ क्या है, थोड़ा आप देख सकते हो थोड़ा ढीला ढीला कवर है, कवर तो दिखने में बढ़िया है पर थोड़ा ढीला कवर है, थोड़ा बड़ा कवर दिखता है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप यहाँ इस कवर में आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो J7 2016 के लिए मैंने जो बैक कवर इसको मंगाया है अमेजोन से,
क्वालिटी वाइज तो एवरेज है, पर ये J7 की कवर नहीं है। आपको क्लियरली आपको दिखने से पता चल जाएगा हेडफोन जैक की जो कटआउट है वो सही से नहीं है, और तलक ये नीच की तरफ जो माइक्रोफोन का कटआउट है वो भी सही से मैच नहीं कर रहा है, और ये कवर भी थोड़ा लूज किस्म का है। ये कवर भी बहुत ही लूज किस्म का कवर है। लुक वाइज तो अच्छा है, पर अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर फूल जाता है। और तो अंदर में डस्ट पार्टिकल तो ढुकेगा ही। तो अमेजोन से मैंने इसको परचेस किया है, क्वालिटी बहुत ही घटिया है, और मेरे पास एक पुराना वाला फ़ोन है, मैं अभी तक इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि सैमसंग का मोबाइल बहुत ही अच्छी तरह चलता है और इसमें कोई भी डैमेज कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह चलता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले है सुपर एमोलेड का, और मैं ज़्यादा हाईफाई गेमिंग भी नहीं करता हूँ, छोटा मोटा गेमिंग करता हूँ, और ये सब कुछ इसमें चल जाता है अभी तक। और इसका रैम भी बहुत ही कम है, 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज है। हाँ दोस्तों 16 GB, तो फिर भी बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस फ़ोन का, वो है कि इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी लो है, फिर भी मैं इससे काम चला लेता हूँ। पर दोस्तों जो है कि एक कवर तो दिखने में अच्छा है पर क्वालिटी वाइज उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और ये होल टोटली मिसमैच है। आप क्लियरली इसमें देख सकोगे, ये जो होल है टोटली मिसमैच है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इस कवर को आप परचेस नहीं करना, मत करना। तो दोस्तों थैंक यू, ऐसा ही लुक आया है।